भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकती है? चर्चाएं तो होती होंगी। पवन सिंह जी हमारे जो भाई हैं। मनोज तिवारी सांसद, रवि किशन सांसद और अब दिनेश लाल यादव निरहुआ भी सांसद। एक दौर था जब बॉलीवुड एक्टर ही राजनीति में सफल हो रहे थे। इस बीच भोजपुरी एक्टर्स ने भी इस रास्ते पर जबरदस्त दस्तक दी है। सबसे खास बात है कि पिछले कुछ सालों में 3 भोजपुरी स्टार बीजेपी की ओर से दिल्ली पहुंचे हैं। इस बीच चर्चा कुछ और नामों की है। इनमें से एक नाम पर अब आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मुहर लगाई है। वो नाम है पवन सिंह का। भोजपुरी इंडस्ट्री से अब आपके बाद बीजेपी की अगली पसंद कौन हो सकती है? चर्चाएं तो होती होंगी। पवन सिंह जी हमारे जो भाई हैं वो बहुत ही बड़े कलाकार हैं, उनको पूरी दुनिया जानती है और जहाँ भी भोजपुरी का कुछ अगर गाना बजता है तो पवन सिंह जी का गाना बजता है, तो मुझे लगता है कि अगला हम लोग अपने भाई को लेके आएंगे, पवन सिंह को लेके आएंगे। पवन सिंह के इतर चर्चा आम्रपाली दुबे की भी है, जो आजमगढ़ में लगातार निरहुआ के साथ दिखी हैं। और तो और उन्होंने हाल ही में निरहुआ के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। जब आम्रपाली को लेकर निरहुआ से सवाल पूछा गया तो एक तरीके से उन्होंने गोलमोल सा जवाब दे दिया। क्या आम्रपाली जी भी का राजनीति में आने का इरादा है? नहीं, वो हुआ ऐसा था कि जो हमारे विपक्ष के लोग थे वो कलाकारों को लेकर के बड़ी ओछी टिप्पणी करते हैं, तो जैसे ही उन लोगों ने उल्टा सीधा मुझे बोलना शुरू किया तो जितने कलाकार थे, चाहे मनोज तिवारी जी, चाहे रवि किशन जी, दोनों मेरे भैया सांसद हैं, अयाज खान भाई, हमारे सुशील सिंह जी, संजय पांडे जी, स्मृति जी, आम्रपाली दुबे जी, प्रवेश लाल यादव जी, नीलम गिरी जी, मतलब पूरी इंडस्ट्री उतर गई आजमगढ़ में कि अगर कलाकारों को लेके आपकी मानसिकता ऐसी है और आप ऐसी सोच रखते हो तो भले थोड़ा ही सही, हम भी अपना पावर दिखाएंगे आपको। मिलाकर भविष्य में भोजपुरी इंडस्ट्री से और भी एक्टर बीजेपी के भगवा रंग में दिखाई दे सकते हैं। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।